हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इस बार फिर से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट निकल के आया है। पोस्ट है पियोन एंड क्लार्क की पोस्ट है। आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे 10th एंड 12th पास करने वाले एप्लीकेशन भी कर सकते। गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी आपको 23,000 तक पर मंथ दिया जाएगा, जिसका लास्ट डेट है 28th ऑफ अप्रैल 2024। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे आप लोग किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, जल्द से जल्द किस तरह से एप्लीकेशन करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए बहुत सारे अपडेट यहाँ पे निकल के आया है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं, देन आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। ड्राइवर की पोस्ट है, पियोन चौकीदार एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी पोस्ट निकल के आया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ड्राइवर की जो पोस्ट है, इनमें आपको 9,950 रुपीज़ आपको सैलरी दिया जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, एंड इस बार जो पोस्ट निकल के आया है, जो यहाँ पे पियोन के लिए है, उनमें आप लोगों को 7,850 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे देना होगा, आपको दिया जाएगा। ये जो है पोस्ट ग्रुप डी के अंदर पोस्ट निकल के आया है। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, एंड यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते, इस यहाँ से आप लोगों को किस तरह से एप्लीकेशन करना है, सब कुछ बताऊँगा। इसी के बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो है आपका एज क्राइटेरिया, दैट इज़ 21 से 38 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे एज इलेक्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, 21 से 38 ईयर जनरल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे एज इलेक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स तक के एज इलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना पड़ेगा, अगर आप लोग एप्लीकेशन कर। अभी बात करने वाला हूँ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन और 10th पास होना पड़ेगा, जिसके बाद आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेल कैंडिडेट चाहिए फॉर द एप्लीकेशन। पियोन चौकीदार एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, जो कि है 12th पास। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एंड ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए पूरा अपडेट दिया गया है। अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको ऑनलाइन में जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड इस बार जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए कुछ अपडेट भी दिया गया है, जैसे कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन या सब कुछ आपके पास होना चाहिए, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सब कुछ। एंड इस बार सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, वाइवा और इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, एंड उसी के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।